हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा मुस्लिम लॉ, कोड है हमारा 301 या 3001 और क्वेश्चन है हमारा इद्दत। सही है। अब से पहले मैं अपने मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में मुस्लिम लॉ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ और वो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हो। ठीक है। इद्दत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर ये 10 नंबर में और 20 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। इसी आधार पर हम इद्दत को समझेंगे और बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मैंने इद्दत को कराया है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो में चलने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज में शेयर करो। ठीक है। और जो फर्स्ट सेकेंड और अन्य सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी सूचित करो कि इस प्रकार का कोई यूट्यूब चैनल है जो तैयारी कराता है। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। ठीक है। इद्दत का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इद्दत का क्या अर्थ है? इद्दत का शाब्दिक अर्थ है गणना करना। मुस्लिम विधि में इद्दत उस समय को कहते हैं जिसमें मुस्लिम स्त्री के विधवा या तलाक होने पर इद्दत पर महिला दो प्रकार से बैठती है। या तो वो विधवा हो जाए, उसका जो पति है वो मर जाए तब इद्दत पर बैठेगी, या वो इद्दत पर तब बैठेगी तब उसका क्या हो जाए, तलाक। तलाक को हम विवाह विच्छेद भी कहते हैं। ठीक है। इद्दत पर या तो विधवा हो जाए यानी उसका पति मर जाए, या तलाक के आधार पर वो इद्दत पर बैठती है जिससे मुस्लिम स्त्री के विधवा या तलाक होने पर पुनर्विवाह पर रोक लगता है। पुरुष तो तुरंत विवाह विच्छेद के विवाह कर सकता है लेकिन औरत को इद्दत पर बैठना अनिवार्य होता है। इसमें पत्नी को एकांत में सात्विक जीवन जीना होता है। यहाँ पर क्या है, अगर किसी महिला का तलाक हुआ है तो उसका पति तो तुरंत शादी कर सकता है। पति क्या कर सकता है, तुरंत शादी कर सकता है, लेकिन महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो शादी के तुरंत बाद क्या करे, तलाक के तुरंत बाद शादी करे, ऐसा अधिकार उसे नहीं है। पति डायवोर्स के जस्ट बाद शादी कर सकता है, पत्नी डायवोर्स के तुरंत बाद शादी नहीं कर सकती है, उसे इद्दत पर बैठना होता है। ये इद्दत है क्या, समझते हैं। इद्दत पर बैठने का उद्देश्य पति की मृत्यु या तलाक के पश्चात महिला गर्भवती तो नहीं है। सपोज करो किसी महिला का पति मर गया है या तलाक हुआ है, तलाक होने से पहले या पति की मृत्यु से पहले अगर महिला गर्भवती है तो उस बच्चे को किसका नाम दिया जाएगा। सपोज करो तलाक हुआ और महिला ने दूसरे दिन ही शादी कर ली और पता चला कि महिला गर्भवती थी तो उस बच्चे को दूसरे पति का नाम थोड़ी दिया जाएगा भाई, वो तो पहले पति का बच्चा है। तो इसलिए उसे इद्दत पर बैठाया जाता है जिससे कि यह पता चले कि पत्नी गर्भवती तो नहीं है। इसी प्रकार अगर पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, विधवा होने के समय से 10 दिन, महीना भर, 15 दिन पहले अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और वो तुरंत शादी कर लेती है तो उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे को किसका नाम दिया जाएगा। तो इसलिए पत्नी को इद्दत पर बैठाया जाता है। इद्दत पर बैठने का उद्देश्य पति की मृत्यु या तलाक के पश्चात महिला गर्भवती तो नहीं है। यदि मृत्यु या तलाक के तुरंत बाद, मृत्यु यानी पति की मृत्यु या तलाक के तुरंत बाद शादी करने पर पहले से ही गर्भ में संतान को किसका नाम दिया जाए। सपोज करो उन्होंने या तो पति की मृत्यु हो गई या तलाक के जस्ट बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली महिला ने और वो पहले से गर्भवती है तो उस बच्चे का क्या होगा, उसे पहले पति का नाम दिया जाएगा या दूसरे पति का नाम दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए पत्नी को इद्दत पर बैठाया जाएगा। इसलिए महिला को 3 माह है यानी 3 महीने या 4 माह है 4 महीने
10 दिन या फिर 3 चंद्रमास यानी 3 जो मासिक धर्म होता है और लड़कियों का, उस 3 मासिक धर्म तक उसे बैठाया जाएगा कि इद्दत करनी होती है। जब तक उसके 3 बार मासिक धर्म नहीं आता वो इद्दत पर बैठेगी, या 4 महीने 10 दिन या 3 महीने वो इद्दत पर बैठेगी, ठीक है, जिससे गर्भ को निश्चित किया जा सके है या नहीं। यदि महिला गर्भवती है तो बच्चे के जन्म तक अवधि अवधि बढ़ जाती है। अब सपोज करो महिला इद्दत पर बैठी और इद्दत पर पता चला कि वो क्या है, गर्भवती है, तब तक वो शादी नहीं करेगी जब तक वो उस बच्चे को जन्म नहीं देती, ठीक है। जन्म देने के बाद, उसका पालन पोषण करने के बाद, उस बच्चे को पहले पति के फैमिली को सौंप दे, या उसका जो पालन पोषण करे उसका जो नाम है उसके पहले पति का देकर, उस चाहे वो उसे अपने साथ रखे या उसके घर वालों को सुपर्द कर दे, तब तक शादी नहीं करेगी जब तक तो उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, ठीक है। अब तलाक द्वारा विवाह विच्छेद, इसके अंतर्गत पति पत्नी में संभोग हुआ है तो तलाक की तिथि के बाद, देखो तलाक, अगर हम शादी हुई, एक तो शादी होती है कि 15 वर्ष से पहले पहले किसी लड़की की शादी किसी अन्य पुरुष से कर दी जाए, और जब वो बालिग हो उसे पता चले कि भाई मेरी शादी हो गई है और वहां पर लड़की पति से कभी मिली नहीं है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो इद्दत पर बैठे, ठीक है, तो वहां पर तलाक द्वारा ही क्या हो जाएगा, विवाह विच्छेद हो जाएगा और उसे इद्दत पर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ने संभोग करा है, पति पत्नी का धर्म निभाया है, तो वहां इद्दत पर बैठना अनिवार्य है। तो यहां पर इसीलिए वो तो लिखा है तलाक द्वारा विवाह विच्छेद, अगर 15 वर्ष से पहले विवाह हुआ है या दोनों का विवाह तो हो गया है लेकिन संबंध नहीं बने हैं तो तलाक द्वारा ही हो जाएगा। सपोज करो किसी ने शादी की और शादी के बाद दोनों ने रिलेशन नहीं बनाया, वो पहले 2 महीने 1 वर्ष या 4 महीने अलग अलग ही रह रहे हैं, तो यहां पर तलाक द्वारा ही विवाह विच्छेद हो जाएगा, इद्दत पर बैठने की जरूरत नहीं है। यदि महिला की उम्र कम या ज्यादा होने के कारण मासिक धर्म नहीं होता तो इद्दत का समय 3 चंद्रमास होगा। अब यहां पर बात करते हैं, किसी महिला की शादी हुई, शादी हो, एक तो होती है कम उम्र में, उसे चलो कम उम्र में शादी हो गई, या उस महिला का जो है गर्भ आता ही, मतलब मासिक धर्म आता ही नहीं है, या उसकी उम्र इतनी हो गई है कि उसके मासिक धर्म रुक गए हैं, यानी कम उम्र होना या मासिक धर्म कभी आना ही नहीं या उम्र बहुत ज्यादा हो जाना, तीनों कंडीशन में अगर मासिक धर्म नहीं आता है महिला का तो वो 3 चंद्रमास यानी 3 चंद्रमास यानी 3 महीने के अकॉर्डिंग, यानी जब तक 3 महीने का पीरियड का टाइम होता है तब तक वो इद्दत का समय बिताएगी। संभोग से पहले विवाह विच्छेद पर इद्दत पालन नहीं है। अगर संभोग से पहले यानी विवाह विच्छेद हुआ लेकिन उन्होंने संभोग नहीं करा है तो इद्दत पर बैठना अनिवार्य नहीं है। विवाह विच्छेद के समय गर्भवती है तो अवधि गर्भपात या जन्म तक होगी। अब विवाह विच्छेद हुआ, ठीक है, विवाह विच्छेद के समय पत्नी क्या है, गर्भवती, तो ये जो समय अवधि है गर्भपात तक या जन्म तक होगी, या तो उसका गर्भपात करा दिया जाए, उसके जो बच्चे को गिरा दिया जाए, या उस बच्चे के जन्म तक उसकी क्या रहेगी, अवधि चलेगी। आगे देखते हैं, पति की मृत्यु द्वारा तलाक। देखो तलाक 2 प्रकार से हो सकता है, या तो विवाह विच्छेद द्वारा तलाक, या पति की मृत्यु हो जाए तो उसे तलाक में ही मानते हैं, विवाह विच्छेद में ही आता है, ठीक है। पति की मृत्यु के बाद विधवा को 4 महीने यानी 4 माह है 10 दिन इद्दत पर बैठना होता है। पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 महीने 10 दिन इद्दत पर बैठना होता है, और वो किस लिए बैठती है इसका मैं काफी बार जिक्र कर चुका हूं, आप समझ चुके होंगे। दूसरा है, संभोग ने भी हुआ हो तो भी पति के लिए इद्दत पर बैठना अनिवार्य है। मृत्यु, देखो विवाह विच्छेद हुआ है, दोनों की मर्जी से हो रहा है विवाह विच्छेद, या किसी कारण से अगर विवाह विच्छेद हो रहा है तो वहां पर संभोग नहीं हुआ है विवाह विच्छेद में,
तो इद्दत पर बैठना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पति की मृत्यु हो जाती है तो इद्दत पर बैठना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वहां पर वो बैठेगी ही इद्दत पर। महिला महिला गर्भवती है तो समय 4 माह 10 दिन या फिर बच्चे के जन्म तक माना जाएगा। सपोज करो पति की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद 4 महीने 10 दिन बैठना अनिवार्य है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, चाहे इसमें संभोग हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में इद्दत पर बैठेगी। और अगर वो प्रेग्नेंट निकली आती है, 4 महीने 10 दिन तो बैठेगी बैठेगी, अगर वो या तो बच्चे का गर्भपात कराए, क्या कराए, गर्भपात कराए, या बच्चे के जन्म तक क्या इद्दत पर बैठे, मतलब इद्दत पर रहेगी, वो दूसरे पति से किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, तलाक की इद्दत के समय पति की मृत्यु। अब एक बात आती है यहां पे देखो, तलाक की इद्दत के समय पति की मृत्यु, पति ने तलाक दिया, क्या दिया, तलाक, और तलाक के वक्त वो क्या हो गई, इद्दत पर बैठी है महिला, विवाह विच्छेद हुआ, तलाक के बाद वो 4 महीने 10 दिन के लिए किस पर बैठी, इद्दत पर बैठी, और जब वो इद्दत पर थी तभी उसके पति की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो उसका जो इद्दत काल है वो पुनः दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट होगा, उसकी मृत्यु के दिन से 4 महीने 10 दिन फिर दोबारा से उसे बैठना होगा। समझते हैं, इद्दत के समय तलाकशुदा औरत का पति मर जाता है तो इद्दत का समय पुनः शुरू हो जाता है, विवाह विच्छेद हुआ दोनों का, तलाक हो गया, ठीक है, और तलाक के दौरान पत्नी इद्दत पर बैठी है और इद्दत के समय में पति मर जाता है तो वो पुनः यानी दोबारा से 4 महीने 10 दिन के लिए इद्दत पर बैठेगी। इद्दत का समय प्रारंभ, इद्दत का जो समय है तलाक वाले वे पति की मृत्यु वाले दिन या तारीख से शुरू होता है, न कि सूचना वाले दिन से। अब हमने क्या बोला है, हम अब से पहले अगर तलाक वाली या वीडियो देखोगे तो तलाक जो है ऐसे आधार पर भी हो सकता है कि पति पत्नी आपस में ना हो तो भी तलाक हो जाता है। सपोज करो पति ने तलाक दे दिया अपनी पत्नी को और पत्नी काफी दूर है और पत्नी को 2 दिन 5 दिन 10 दिन या महीना भर बाद उसे पता चलता है कि मेरा तलाक हो गया है, तो उसका जो इद्दत काल है उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से पति ने उसे तलाक दिया है। सपोज करो उसे 4 महीने 10 दिन उसे इद्दत पर बैठना है और उसे 10 दिन बाद पता चला कि मेरा तलाक हो गया है तो वो 4 महीने बैठेगी। अगर उसे 2 महीने बाद पता चला है कि मेरा तलाक हो गया है तो वो बचे 2 महीने 10 दिन इद्दत पर बैठेगी। उसे 3 महीने बाद पता चला, बहुत दूर रह रही है, अब तो फोन का जमाना है, सपोज करो पहले कोई ऐसी भी ऐसा तलाक हुआ हो उसे 3 महीने बाद पता चला हो तो वो 1 महीने 10 दिन तलाक इद्दत पर बैठेगी। तो महिला का जो तलाक है वो तलाक की तारीख से ही शुरू हो जाता है, तलाक के समय से ही शुरू हो जाता है और उसे जब सूचना मिलती है उसके बचे दिन के लिए वो इद्दत पर बैठती है। सिया विधि, यदि कोई महिला मासिक धर्म की स्थिति में पहुंची ही नहीं या वृद्ध होने के कारण मासिक धर्म बंद हो गया तो उसके द्वारा इद्दत काल का पालन करना अनिवार्य नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका मासिक धर्म नहीं आता है, या कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा हो जाती हैं और उनका मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। यहाँ पे इद्दत का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है, उसकी कोख में कोई बच्चा तो नहीं है जिससे कि उसका कोई दूसरा पति उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, इसलिए ये देखा जाता है सिर्फ इद्दत में, वो महिला गर्भवती तो नहीं है, या तो उस बच्चे की फिर वो सफाई कराए या गर्भपात कराए या बच्चे को जन्म दे, सिर्फ ये देखा जाता है। तो यहाँ पर बोला है जब मासिक धर्म आएगा ही नहीं तो महिला गर्भवती नहीं होगी, तो यहाँ पर बोला है अगर किसी महिला का मासिक धर्म नहीं आता है या तो कम उम्र की वजह से, या महिला का मासिक धर्म आता ही नहीं है, या वो उस एज को पार कर गई है, उस उम्र को पार कर गई है जहां मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तो इद्दत पर बैठना अनिवार्य नहीं है।
सिया भी थी। इद्दत का उद्देश्य केवल धर्म सॉरी इद्दत का उद्देश्य केवल गर्व का पता लगाना है। मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम धर्म है उसमें गर्व का पता लगाना ही अनिवार्य है। इद्दत के समय महिला का विवाह शून्य होगा। अगर इद्दत के समय पर महिला कोई विवाह कर लेती है तो वो अमान्य होगा, शून्य होगा। इद्दत की अवधि में पति का पुनर्विवाह वर्जित। जब तक कोई महिला इद्दत पर बैठी है और वह अपने पति की चार पत्नियों में से एक है, वह तब तक शादी नहीं कर सकता जब उसकी पत्नी की इद्दत का समय पूर्ण नहीं होता। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मैंने आपसे पहले बताया था कि मुस्लिम पति चार शादियां कर सकता है, अब सपोज करो उसने पांचवी शादी कर ली, पांचवी शादी करना चाहता है तो पहली चार में से 1, 2, 3, 4 इनमें से किसी एक को छोड़ना होगा उसे, ठीक है। या उसकी चार बीवियां हैं, 1, 2, 3, 4 ठीक है, इसकी चार बीवियां हैं और इसमें से किसी एक को छोड़ना चाहता है। सपोज करो उसने पहली को छोड़ना चाहा तो उसने तलाक इसे बोल दिया कि मैं तेरे से तलाक कर रहा हूं, और तलाक हो भी गया। अब महिला जो पहले नंबर की जो महिला है वो इद्दत पर बैठी है और इद्दत का समय 4 महीने 10 दिन है, या 3 चंद्रमास मान लो, या 3 माह मान लो। जब तक महिला पहली महिला इद्दत पर बैठी है और पति पांचवी शादी कर लेता है तो वो क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि अभी पहली महिला का इद्दत यानी तलाक का समय समाप्त नहीं हुआ है। सपोज करो आज तलाक हुआ पहली महिला से और उसकी ऑलरेडी 4 शादी हो गई हैं और 3 महीने बाद पता चला कि पत्नी गर्भवती है, उसने पांचवी भी शादी कर ली तो वो क्या होगी, अमान्य होगी। अगर पति के 2 या 3 शादियां हुई हैं और उनमें से किसी एक को छोड़कर शादी करता है तो वो कर सकता है, क्या कर सकता है, शादी। पहली दूसरी 3 पत्नियां हैं और 3 में से किसी एक को छोड़ता है तो वो तलाक के तुरंत बाद 4थी शादी कर सकता है, क्योंकि हम 4 पत्नियां रख सकते हैं। पांचवी से अगर वो शादी करना चाहता है तो उसकी पहली पत्नी की इद्दत पूरी खत्म हो जाए, ठीक है। अगर 3 है 4थी करता है तो चाहे पहली पत्नी इद्दत पर बैठी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे 4 करने का अधिकार है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जब तक कोई महिला इद्दत पर बैठी है और वह अपने पति की 4 पत्नियों में से एक है, वह तब तक शादी नहीं कर सकता जब उसकी पत्नी की इद्दत का समय पूर्ण नहीं होता। 4 पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे रहा है, 4 में से किसी एक को तलाक दे रहा है तो वो 5वीं शादी नहीं कर सकता। अगर 4 से कम है, 3 हैं 2 हैं और 1 है, उनमें से किसी एक को तलाक दे रहा है तो वो शादी इद्दत के समय कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इद्दत वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो इद्दत का क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। बार बार कहता हूँ मैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बताता रहता हूँ और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूँ। इद्दत वाला क्वेश्चन 10 नंबर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, 5 नंबर में इसकी टिप्पणियाँ आती हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और शेयर कर अपने ग्रुप में, कॉलेज में दोस्तों को भेजो और उनको बताओ कि किस प्रकार से तैयारी हो सकती है। उन्हें बताइए कि 1st, 2nd और 3rd सेम की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड हैं और वो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इतना प्यार मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।